सो दोस्तों, थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था NFTs के बारे में कि एग्जैक्टली NFTs होते क्या है, और रिसर्च करते टाइम मैंने सोचा कि यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट मुझे भी कर देना चाहिए, तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ NFTs जो मैंने लिस्ट किए हैं और आप भी कैसे NFTs बाय कर सकते हो या फिर लिस्ट कर सकते हो। ये वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा विद अ कॉशन बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग और आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो मैं ये नहीं चाहता कि किसी का भी लॉस हो। सो बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट डू योर ओन रिसर्च करके पढ़िए क्या क्या है NFT के बारे में और फिर ही इसके ऊपर आप प्लंज इन कीजिए। सो NFTs इन टर्म्स ऑफ इसका जो रॉ मीनिंग है दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन, मतलब इसके नीचे की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, मैं थोड़ा बहुत इसमें मैसअप करूँगा क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी प्रॉपरली पता नहीं है, बट दिस इज़ एसेंशियली यू नो टू पुट इट वेरी सिंपली एंड आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, टू पुट इट सिंपली दिस इज़ आर्ट वर्क ऑन दी ब्लॉक चेन। सो आर्ट वर्क ऑन दी ब्लॉक चेन मतलब जब आप कोई भी आर्ट वर्क लिस्ट करते हो दैट डायरेक्टली गोज अप ऑन दी ब्लॉक चेन एंड ऑक्यूपाइज दैट पर्टिकुलर ब्लॉक चेन का सेगमेंट। ऑब्वियसली द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस मे बी समथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आई परसीव इट, बट यू नो फ्रॉम वॉट आई अंडरस्टैंड इज आपको अगर कुछ चीज़ को यूज़ करना है तो आपको कम्प्लीटली उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी चलती है बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, फॉर्मूलाज वगैरह पता है जो भी टेक्स्ट बुक में पढ़े थे, बट एक्चुअल जो वर्किंग है वो मैं नहीं जानता। सो ऑल आई नो इज़ दैट इसका जो यूज़ केस है वो मैं जानता हूँ। सो यूज़ केस इज़ दैट यू नो ये जो आर्ट वर्क है जो आपको पीछे दिख रहा है, ये मैंने डिस्टर्ब किया है रेरिबल के ऊपर, तो बेसिकली कोई भी जाके इस आर्टवर्क को ख़रीद सकता है। अगर कोई इस आर्टवर्क को ख़रीदेगा तो उसके पास इसका एक टोकन मिलेगा एंड ये एक अनलॉकेबल कंटेंट है, मतलब ये आर्टवर्क जो दिख रहा है दिस इज़ एक्चुअली ये मुंबई की थी, इसका एक कैरेक्टर का आर्टवर्क है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टोकन को ख़रीदते हो तो आपको एक अनलॉकेबल कंटेंट मिलेगा जिसको आप आगे जाके मुंबई ग्लीस जब भी लॉन्च होगा उसके अंदर रिडीम कर सकते हो। फिर इसके साथ दूसरे भी पर्क्स वगैरह है जो इसके अंदर मैंने लिख के रखे हैं। तो अगर आपके पास ये टोकन है तो यू कैन यू नो अनलॉक अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट इन मुंबई ग्लीस। सिमिलरली दिस इज़ दी यूज़ केस फॉर एवरी गेम डेवलपर्स एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम गेम डेवलपर्स दिस इज़ एक्चुअली एन आर्टिस्ट्स गोल्ड माइन बिकॉज आर्टिस्ट जो है वो अपने आर्टवर्क को लिस्ट कर सकते हैं एज एन NFT और जो भी सेल होगा उसके डायरेक्ट जो प्रोसीड्स है वो सीधे के सीधे आर्टिस्ट को जाएंगे, प्लस दी आर्टिस्ट विल ऑल्सो गेट अ रॉयल्टी। तो हर बार जब भी उनका आर्टवर्क सेल होगा तो उसका एक सर्टेन कमीशन आर्टिस्ट को डायरेक्टली जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अगर मैं इसको देखने जाऊँ तो ये आर्ट अगर कल जाके बिकता है तो इसका जो भी पैसे वगैरह है वो हमें मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ ईथर, और वो हम लोग ईथर को एक्चुअली कैश आउट कर सकते हैं विच विल एक्चुअली हेल्प अस इन दी डेवलपमेंट ऑफ आर गेम एज वेल। सो दिस इज़ लाइक एक प्री सेल आप बोल सकते हो कि हम लोग को लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक बड़े लेवल पर अगर पैसे रेज करने होंगे फॉर यू नो डेवलपमेंट ऑफ अ गेम प्रोजेक्ट, बिकॉज गेम्स जब आप बनाते हो तो आपको पैसे तो चाहिए, आपको लोगों की सैलरीज वगैरह देनी है, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह सब खरीदने हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे टू रेज सम इनिशियल कैपिटल जिससे आपको यू नो डेवलपमेंट का एक थोड़ा सपोर्ट मिले। सो विच इज़ द सेम रीज़न वाई यू नो आई हैव पुट अप अ फ्यू NFTs, आप जाके सपोर्ट कर सकते हो। कुछ ही दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा जो NFT है वो एक फ्लावर का मैंने फोटो खींचा था, उसका NFT डाला था, तो उसके बारे में मैंने पोस्ट किया था और उसके मैंने 50 कॉपीज गिव अवे किए थे। ये वाला जो आर्टवर्क है इसके मैं गिव अवेज नहीं कर रहा हूँ, तो आप जाके इसके ऊपर ऑक्शन कर सकते हो, दिस इज़ अवेलेबल ऑन अनलिमिटेड ऑक्शन। और हम मैंने एक और NFT लिस्ट किया है ऑन OpenSea, अगर आपको अकाउंट्स वगैरह बनानी है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप अकाउंट्स वगैरह बना सकते हो वहाँ पर जाके और खुद के NFTs लिस्ट कर सकते हो। बट अंडरस्टैंड द यूज़ केस को बराबर से समझो, आपको अगर इन डेप्थ इतना पता नहीं है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ में घुस रहे हो। तो फिर वीडियोस देखो, इन्फॉर्मेशन रीड अप करो, ऑनलाइन जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं उनके बारे में पढ़ो पहले, उसके बाद ही इसके अंदर एंटर करो, वरना बहुत रिस्की बिजनेस है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे आप गवाओ। सो डू योर ओन रिसर्च, मैं किसी भी तरह के से इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि मैंने मेरा आर्टवर्क डाला है एंड अगर आप जानते हो इसकी वैल्यू तो फिर आप इसके ऊपर जाके बिड कर सकते हो एंड यू नो दैट वुड एक्चुअली हेल्प अस विद दी डेवलपमेंट प्रोसेस। सो इस पर्टिकुलर आर्टवर्क के अभी 100 सप्लाईज है, सिर्फ 100 सप्लाईज है एज NFTs।
और दूसरा जो हम लोग ने ओपन सी पे मैंने डाला है वहाँ पे एक लोगो रोटेटिंग वीडियो है वो डाला है फॉर सेल, सो दैट इज़ अ सप्लाई ऑफ ओनली वन। तो और उसका 3 डेज़ का ऑप्शन चल रहा है अभी, मैं जिस टाइम पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे तो ये हो गया रहेगा, मतलब एक दिन चला गया रहेगा। सो जाके देख लीजिए, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, एंड NFTs के बारे में रिसर्च कीजिए। ये एक बहुत ही नई चीज़ है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, एंड यू नो धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज होते जा रहा है, जो दुनिया है वो एक दूसरे के पास आती जा रही है। सो दैट्स अबाउट इट। मैं सोचा कि ये एक नई चीज़ मैंने की है तो आपके साथ मैं शेयर करूँ, एंड यही चीज़ है कि यार कॉशन के साथ थोड़ा खेलो इसके अंदर, बिकॉज मैं पर्सनली भी पूरी की पूरी चीज़ नहीं जानता। ऑनेस्टली मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार मेरे को इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, सब कुछ आता है, नहीं। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, ये भी मैंने जेब से मैंने एक रिस्क लिया है। इट इज़ पॉसिबल कि आई मे लूज आउट द मनी दैट आई हैव पुट इन टू दिस, बट दैट इज़ अ मनी दैट आई एम प्रिपेयर टू लूज। मतलब मैंने इतना ही पैसा इसमें डाला है जो मुझे लगता है कि ठीक है, ये अगर गवा दिया मैंने तो भी कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। सो आई वुड से द सेम फॉर यू गाइज एज वेल, अगर आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करना है तो ओनली एक्सपेरिमेंट विद अ स्मॉल अमाउंट दैट यू आर प्रिपेयर टू लूज। माइंड में ये चीज़ सोच लो कि यार मैंने ये पैसे अगर डाल दिए तो मैंने ये गवा दिए है, ऐसे ही सोचो और इतने ही पैसे डालो, ज़्यादा लालची मत बनो। और यही चीज़ मैंने भी फॉलो की है और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। क्रिप्टो करेंसीज, NFTs इज़ अ वेरी न्यू स्पेस, आपको आगे पीछे बहुत सारी न्यूज़ सुनने आती है कि इसने इतने मिलियंस कमाए, ये सब कमाए, बट वो सब के इसमें जाल में आके खुद के फाइनेंसिस की वाट मत लगाओ, इतने ही पैसे उसमें लगाओ जितने आप गवाने के लिए रेडी हो। सो इतना ही मुझे बोलना था। चेकआउट दिस आर्ट वर्क ऑन रेरिबल, ओपन सी के ऊपर भी एक आपको आर्ट वर्क मिल जाएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।